Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios. My name is Jatin and this is lecture 5 of our music production course. आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं म्यूजिक के टाइप के बारे में. कितने टाइप के म्यूजिक्स होते हैं, कितने स्टाइल के म्यूजिक होते हैं, डिफरेंट टाइप के म्यूजिक को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्या डिफरेंस होता है. अगर आप याद करो सो लेक्चर 1 में हमने बात करी थी कि म्यूजिक जो है वो बहुत टाइप का होता है एंड एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था. आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में एक ऐड आया हो या फिर आपको अभी थोड़ी देर बाद कोई ऐड आएगा. किसी भी कंपनी का हो सकता है, एक्स वाई जेड किसी भी कंपनी का, वहाँ पे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एक म्यूजिक का पीस होगा या फिर कुछ बीट होगी, सो उसको भी हम म्यूजिक कंसिडर करते हैं. इसी टाइप से म्यूजिक की जो ये वेराइटी है बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइप के म्यूजिक होते हैं. एंड अगर हम पर्टिकुलर बात करें सॉन्ग्स की तो बहुत सारे स्टाइल होते हैं, बहुत सारे स्टाइल के म्यूजिक होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं म्यूजिक के जॉनराज. नाउ ये जो टर्म है ना जॉनर, इसको आप सिंपली समझ सकते हो स्टाइल. आपने बहुत सारे म्यूजिक सुना होगा, बहुत सारे सॉन्ग्स आपने सुने होंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आज तक आपने जो सॉन्ग सुने हैं वो सारे एक ही तरीके के हों? नहीं, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल के होते हैं. अगर मैं कुछ म्यूजिक जॉनर्स की बात करूं, सो हाउस म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक एंड आपका रैगे, हिप हॉप, रैप, ट्रिल, ट्रैप, फ्यूचर बेस, साई ट्रांस, बहुत सारे जॉनर्स. लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे ना कि कैसे इन ट्रैक्स को बनाया जाए, तो कॉन्सेप्ट सबका सेम ही निकलेगा. आपको प्लेलिस्ट पे अरेंज करने हैं. अब अरेंज क्या करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो पहले भी मैं लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, सैंपल्स. एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सैंपल पैक्स. अब यहाँ पे मैं आपको एक अंदर की बात बता देता हूँ जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा. अगर आप किसी से भी कोर्स करते हो, किसी से भी कोर्स करते हो म्यूजिक प्रोडक्शन का, देन वहाँ पे आपको हो सकता है कुछ सैंपल पैक्स जो आपका इंस्टीट्यूट हो या फिर जिससे आप सीख रहे हो, आपको वो थोड़े से सैंपल पैक्स दे जो उन्होंने खुद बनाए हुए हैं. या फिर हो सकता है आपको वो बोले कि ये सैंपल पैक्स आपको खरीदने होंगे. तो बेसिकली एक ये पैसा कमाने की ट्रिक है कि आपने कोर्स किया है, अब आपको ये सैंपल्स चाहिए तो आप हमसे ये सैंपल पैक्स ले लो. वो एकदम ही सही बात है, कुछ उसमें बुरा नहीं है. एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर मैं आगे चल के भी ये काम करूंगा, बट उससे पहले आपको ये सारी चीजें क्लियर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका जो DAW है, जो DAW आप यूज कर रहे हो, इस केस में हम यूज कर रहे हैं FL Studio, सो FL Studio के साथ भी एक लाइब्रेरी आती है, सैंपल पैक की एक लाइब्रेरी आती है. तो क्या हम सिर्फ उसको यूज करके एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक बना सकते हैं? तो हाँ जी, हम बना सकते हैं. लेकिन जो थर्ड पार्टी सैंपल पैक्स हैं वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप यूज़ नहीं करते हो डिफरेंट सैंपल पैक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्ट आपको कोई एक सैंपल पैक ही यूज़ करना है, नहीं, आज की डेट में मिलियंस ऑफ सैंपल्स अवेलेबल हैं, सैंपल पैक्स अवेलेबल हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो एंड अपना खुद का म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप सिर्फ एक या दो सैंपल पैक्स के पीछे लगे रहोगे, उसी पर म्यूजिक बनाते रहोगे, तो आपका जो टाइम है ना वो आपको ज़्यादा लग जाएगा. इनफैक्ट आज की डेट में अगर बात करें सो इंडस्ट्री में भी, म्यूजिक इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी बात करें, तो बहुत सारे गानों में आपको जो हिट है, टॉप हिट्स हैं, उसमें भी आपको सैंपल्स का यूज मिलेगा. जो सैंपल पैक्स आपके पास होंगे ना, वो टॉप चार्ट्स जो म्यूजिक हैं उसमें भी यूज हुए हैं. अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल्स हैं वो यूज कर सकते हैं, देन आप क्यों यूज नहीं कर सकते हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सैंपल्स यूज करना एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए अच्छा नहीं है, हम सब स्क्रैच से खुद क्रिएट करेंगे? अगर ये सोच है आपकी तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो एंड डिफरेंट सैंपल पैक्स को एक्सप्लोर करना शुरू करो, बिकॉज उसमें बहुत सारी नई नई साउंड्स होती हैं एंड इस टाइप की साउंड्स होती हैं जो आज के टाइम में आपने सुनी भी होंगी. आज से कुछ 3-4 साल पहले के जो सॉन्ग्स हैं उसमें आपने सुनी भी होंगी एंड जब आप उन सैंपल पैक्स को यूज करोगे देन आपके ट्रैक में एक वो यूनिकनेस भी आएगी. एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा सैंपल पैक्स के बारे में, लेकिन पहले मैं अगेन आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जो आपके स्टॉक सैंपल पैक्स होते हैं, जो स्टॉक आपके सैंपल पैक की लाइब्रेरी होती है, उससे आप अच्छा म्यूजिक नहीं क्रिएट कर सकते. आप कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम हो सकता है ज्यादा लगे एंड जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी सॉन्ग्स हैं उन जैसा आपका सॉन्ग
बिल्कुल साउंड ना करे। लेकिन अगर आप सैंपल पैक्स को यूज करते हो देन डेफिनेटली आपको एक कहीं ना कहीं मैचिंग साउंड जरूर मिलेगी। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है जो अभी मैंने आपसे पहले बात करी है कि ये जो म्यूजिक के जॉनरास के बारे में आपने बताया है इसको हम कैसे समझ सकते हैं, किस टाइप का म्यूजिक एग्जैक्टली वो होता है उस जॉनर में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ट्रैप का मन है, ट्रैप या फिर ड्रिल कुछ हमने बनाना है, ड्रिल जॉनर में हमने कुछ बनाना है, तो कैसे हम उसको समझ सकते हैं? तो सिंपल सा इसका आंसर है, आपको म्यूजिक सुनना पड़ेगा जिस टाइप का, जिस जॉनर का आप म्यूजिक सुन रहे हो ना अभी रिसेंटली जो आप सुन रहे हो, आप उसी पे स्टिक करो, आपको अच्छा लगता है दैट इज वाई आप उसको सुन रहे हो। एंड एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं आपको उसी टाइप का म्यूजिक बनाने का थोड़ा सा मन करता है या फिर बहुत ज्यादा मन करता है। इस चीज को और सिंपल कर देते हैं, म्यूजिक के बारे में अगर आपको सीखना है ना, अलग अलग डिफरेंट जॉनर्स के बारे में सीखना है कैसे आप न्यू म्यूजिक सुन सकते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा NCS म्यूजिक नॉन कॉपीराइट साउंड्स, आप वो सुनो, आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मैंने टैब्स ओपन करे हैं, सो यहाँ पे हमारे पास है, ये है डबस्टेप, सुनते हैं कैसा साउंड कर रहा है ये। तो यहाँ पे आप सुन सकते हो म्यूजिक किस टाइप का था, काफी ज्यादा ग्राउल्स थे। जनरली जो इनका टेम्पो होता है ना, BPM होता है, वो 132 से लेके 140 के अराउंड रहता है, 150 भी जा सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। एंड यहाँ पे डबस्टेप लाइक एक जॉनर है, तो आज के टाइम में ना इसके सब जॉनर्स भी निकल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेलोडिक डबस्टेप, सो वहाँ पे थोड़ी सी मेलोडीज को ऐड कर दिया है, सो यहाँ पे आपका वो डबस्टेप जॉनर मेलोडिक डबस्टेप बन गया है। इसी तरीके से अगर आपके ग्राउल्स अगर है ना, सो आप उसको डबस्टेप में कंसिडर करोगे एंड आप सुन सकते हो किस टाइप का वो साउंड कर रहा है। नाउ आप देख लेते हैं सेकेंड टाइप का म्यूजिक को, सो यहाँ पे है हमारे पास फ्यूचर बेस। अब फ्यूचर बेस में क्या है सुनते हैं। नाउ यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिमिलर लग रहा होगा डबस्टेप से, लेकिन क्या है यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस है। अब क्या है वो ग्राउल्स जो मैंने आपको बताया था ना, वो ऐसा यहाँ पे ग्राउल्स नहीं है, यहाँ पे 100 chords का थोड़ा सा यूज हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम चलते हैं, सो यहाँ पे है ट्रैप, ट्रैप में देखते हैं क्या है। Just let me be. सुन सकते हो ट्रैप म्यूजिक है, लेकिन काइंड ऑफ आपको सिमिलर ही लगेगा डबस्टेप से या फिर अभी पिछला जो हमने फ्यूचर बेस सुना, तो कहीं ना कहीं आपको सेम ही लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन जो बीट चल रही है वो काइंड ऑफ थोड़ी सी सिमिलर लगेगी। तो आपको ये समझ में शायद अब आ गया होगा कि म्यूजिक के जो डिफरेंट जॉनराज है ना, अगर हम उसका बेस पकड़ते हैं वो सेम ही रहने वाला है। अगर हम किसी भी जॉनरा की बात करते हैं, बेस जो है वो सेम ही रहेगा, आपको अरेंज करना है। अरेंज के अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी बताने वाला हूँ, कुछ और एक बारी सैंपल सुन लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आई थिंक ये EDM है, तो ये काइंड ऑफ आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आप इसको बोलोगे।
अब बात कर लेते हैं एक जॉनर की जिसका नाम है हाउस म्यूजिक। हाउस म्यूजिक आपने जरूर सुना होगा। अब ये जो कैटेगरी है ना, ये जो जॉनर है, इसके अंदर बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं, सब जॉनर्स हैं। हाउस म्यूजिक के अंदर हमारा आता है प्रोग्रेसिव हाउस, फ्यूचर हाउस, डीप हाउस, टेक हाउस, बहुत सारी चीजें आती हैं। बहुत ही ज्यादा कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। नाउ अब बात कर लेते हैं जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है एग्जैक्टली? पॉइंट तो मैंने बताया था बट डिस्कस नहीं करा था, सो डिस्कशन अब कर लेते हैं। अगर आपके जो सैम्पल पैक्स हैं, स्टॉक लाइब्रेरीज हैं आपके, जो आपके DAW के साथ आई हैं, उसको अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, अच्छे तरीके से वो लेबल नहीं होते हैं, वो किस की में है या फिर किस BPM में है ये उसमें मेंशन नहीं होता है। एंड काफ़ी बार ऐसा होता है वो जॉनर वाइज कैटेगराइज नहीं होते हैं। जस्ट आपको फोल्डर मिल गया एक किक का, एंड उसमें आपको काफ़ी सारी किक्स मिलती हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो किसी भी जॉनराज में। लेकिन 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 जब आप म्यूज़िक बनाते हो ना, तो कॉन्सेप्ट वही है कि आपको अरेंज करने हैं सैम्पल्स प्लेलिस्ट पे। लेकिन किस टाइप का सैंपल होना चाहिए वो डिपेंड करता है उसके जॉनर पे ही। एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ सैंपल पैक दिखाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ आ चुके हैं FL स्टूडियो पे, यहां से ओपन करते हैं ब्राउजर। ब्राउजर के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी। सो ये मेरे पास एक सैंपल पैक है, कैश्मीर सैंपल पैक, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। कोई भी नीचे मैं आपको एफिलिएट लिंक नहीं दे रहा हूँ, अपने आप जाके डाउनलोड करो या फिर परचेज करो, इट्स अप टू यू। आपको हर जगह इंटरनेट पे ये मिल जाएगा। नाउ अभी नया रिलीज़ हुआ था साउंड्स ऑफ कैश्मीर वॉल्यूम 4, इस पे हम चलते हैं। मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ, ये जो फोल्डर्स खुले हुए हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर जो है, जो मेन फोल्डर है उसके अंडर हमें मिलते हैं ड्रम लूप्स एक फोल्डर है, देन उसके बाद ड्रम इफेक्ट्स इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग स्टार्टर्स वगैरह वगैरह। हम चलते हैं ड्रम्स पे। अब ड्रम्स को अगर हम ओपन करते हैं, सो आप देख सकते हो काफ़ी टाइप के ड्रम्स हैं यहाँ पे, अकूस्टिक ड्रम्स, बीट बॉक्सिंग, क्लैप्स, सिंबल्स, बहुत सारी चीज़ें। हम आते हैं नीचे किक पे। किक को अगर हम ओपन करते हैं, सो आप देख सकते हो यहाँ पे जॉनर वाइज कैटेगराइज्ड हैं, किक्स भी जॉनर वाइज कैटेगराइज्ड हैं। यहाँ पे आती हैं EDM किक्स, सुनते हैं इसको। अब EDM किक्स के अंदर भी आप सुन सकते हो, अगेन वो सब जॉनर्स में क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आती हैं बिग किक्स, हार्ड स्टाइल किक्स, हाउस किक्स, पंची किक्स, सिंपल किक्स, वियर्ड किक्स। आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा आपको ये जो कैटेगराइजेशन है ना, वो आपको जो स्टॉक लाइब्रेरी है उसमें नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे EDM किक के अंदर ही हम सुनते हैं बिग किक को। आप सुन सकते हो थोड़ा सा उसका जो साउंड है वो डिफरेंट है। अब अगर हम यहाँ पे हार्ड स्टाइल सुनते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हो हार्ड स्टाइल में अगेन यहाँ पे फोल्डर्स हैं, कुछ सुनते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, थोड़ी सी साउंड काफी ज्यादा बूस्टेड है। जो ऊपर बिग किक हमने सुनी थी उससे टोटली डिफरेंट है। हाउस किक सुनते हैं, ये थोड़ी सी शॉर्ट है। इसी तरीके से हम पंची किक सुनते हैं, तो इसमें पंच काफी ज्यादा है। इन द सेम वे अगर हम EDM किक्स की जगह सुनते हैं हिप हॉप किक्स, यहां पे चेस्ट किक्स को सुनते हैं, मतलब किक ही पूरी चेंज हो गई है, पूरी किक चेंज हो गई है। सो इस टाइप की किक्स को आप यूज करते हो हिप हॉप या फिर R&B इस टाइप से अगर आपके जॉनर्स हैं, सो आप वहां पे यूज कर सकते हो। उन जॉनर्स में अगर आप ये EDM किक्स लगाओगे, देन आपका ट्रैक बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं करेगा, वो EDM जैसा साउंड करेगा, वेदर आपने उसको किसी भी दूसरे जॉनर में बनाया हो, लेकिन वो साउंड बिल्कुल डिफरेंट ही करेगा, मतलब हिप हॉप टाइप से तो करेगा ही नहीं। इन द सेम वे अगर हम देखते हैं आगे किक्स को, सो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी किक्स और भी हैं, लाइक पॉप किक, पॉप किक्स, पॉप किक को आप यूज़ करोगे पॉप सॉन्ग्स में। ये जो हिप हॉप से थोड़ी सी अग्रेसिव है, लेकिन थोड़ी शॉर्ट है, एंड थोड़ी सी स्वीट किक्स आप इसको बोल सकते हो, कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब यही है, अगर आपको अच्छा म्यूज़िक बनाना है जैसा इंडस्ट्री में चल रहा है, देन आपको काफ़ी सारे सैम्पल पैक्स को एक्सप्लोर करना होगा, बिकॉज जो साउंड्स हैं वो आपको सैम्पल पैक्स में ही मिलेंगी। कुछ अगर मैं सैम्पल पैक्स का नाम आपको बताऊं, सो कैश्मीर जैसा कि आप देख सकते हो, देन साइमैटिक्स आप यूज़ कर सकते हो, ड्रिल, डबस्टेप,
हिप हॉप इस टाइप से अगर आपको सैम्पल कोई म्यूजिक क्रिएट करना है सो आप साइमैटिक्स के सैम्पल यूज कर सकते हो. अगर आपको EDM में थोड़ा सा बनाना है देन आप अल्ट्रासोनिक एंड WA प्रोडक्शन के जो सैम्पल पैक्स हैं उसको यूज कर सकते हो. नाउ यहाँ पे मैं एक और चीज एड ऑन कर देता हूँ. ये तो मैंने आपको बात बताई जो इस टाइप का नॉर्मल जो म्यूजिक है आप सुनते हो. एक म्यूजिक जो ऑर्केस्ट्रल है लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक में यूज होता है, बैकग्राउंड स्कोरिंग में यूज होता है. ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक आपने काफी बार सुना होगा, कुछ पीछे थीम चल रही हो, कुछ पॉडकास्ट हो, पीछे थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक उसमें आता है. एड्स में ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक काफी ज्यादा यूज होता है. देन इस टाइप के सैम्पल पैक्स में आपको काफी सारे लूप्स मिल जाएंगे, काफी सारे साउंड्स मिल जाएंगे जो कि आप बोल सकते हो ऑर्केस्ट्रल टाइप से हो या फिर सिनेमैटिक टाइप से हो. मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पे. सो ड्रम लूप्स पे चलते हैं. यहाँ पे बाय जॉनर आप देख सकते हो काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, हिप हॉप, डांस, लोफाई, मुम्बा, बहुत सारी कैटेगरीज हैं. यहाँ पे मैं आपको ऑर्केस्ट्रल दिखाने वाला हूँ, सिनेमैटिक्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्केस्ट्रल ड्रम लूप्स, इसको सुनते हैं एंड आपका फील ही टोटली डिफरेंट हो जाएगा. तो जैसा कि आप सुन सकते हो यहाँ पे क्या वो फील आ रहा है. इस टाइप का आपको म्यूजिक बनाना है तो सैम्पल पैक्स की आपको रिक्वायरमेंट जरूर होगी. एंड मैं जो आपको बेसिक मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो सिंपल ही है. कोई भी सैम्पल हो, किसी भी जॉनर का हो, किसी भी टाइप का सैम्पल हो, आपको उठा के उसको ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है अपनी प्लेलिस्ट पे एंड यहाँ पे करना है उसको अरेंज. नाउ अरेंज आप कैसे करोगे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर किस टाइप से है, लेकिन मेन जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो यही है. अगर आपको सैम्पल ऐड करने हैं प्लेलिस्ट पे, कुछ सैंपल्स ऐड करने हैं, म्यूजिक बनाना है, तो इसी तरीके से होगा चाहे वो किसी भी जॉनर का हो. ऑलराइट गाइस, तो आज हमने बात करी है म्यूजिक के जॉनर्स के बारे में एंड मैंने आपको बताया है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सैंपल पैक्स को यूज करना, बिकॉज इंस्टेंटली आपको वो साउंड मिल जाएगी. मैंने काफी सारे वीडियोज में भी देखा है, कोर्सेज में भी देखा है, इवन अपने सैंपल पैक्स लोग सेल करते हैं, लेकिन आप सिर्फ उन पर डिपेंडेंट रहोगे देन आपको कहीं ना कहीं वो जो साउंड के पीछे आप चाह रहे हो ना वो आपको नहीं मिल पाएगी. सो डिफरेंट सैंपल पैक्स को एक्सप्लोर करो एंड आपकी जो यूनिक साउंड है, यूनिक से मेरा मतलब है जो आपने सुनी हुई है ना, वो साउंड आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी एंड उसके बेसिस पे आप एक यूनिक साउंड जनरेट कर पाओगे. अब मुझे पता है ये यूनिक साउंड कैसे जनरेट करोगे, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क वाला यहाँ पे चीज हो गई है. सो आगे लेक्चर में इसको भी डिस्कस करेंगे. फिलहाल आज के लिए इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं बीट मेकिंग. आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में.